अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि जो एक अत्यंत लोक महत्व का विषय है, उत्तर प्रदेश में अक्टूबर में इस बार अप्रत्याशित बाढ़ आई, जिसके कारण 21 जनपद के लगभग 2235 गांव बाढ़ से महरूम हो गए। हमारे सिद्धार्थनगर के 580 गांव, जिसमें इस बार पहली बार हुआ, मतलब मानसून सेशन कभी जुलाई अगस्त सितंबर के बाद कभी बारिश नहीं हुई थी, ये पहली बार अप्रत्याशित बारिश अक्टूबर में हुई और कुछ नेपाल की नदियों का पानी आया, जिसके कारण सड़कें टूट गईं, जिसके कारण एक लगातार 8730 हेक्टेयर में पूरी फसल खराब हो गई और किसानों के सामने आज ये स्थिति है रबी के लिए। तो मैं मांग करता हूँ कि एक केंद्रीय अध्ययन दल जाए, जिससे कि वहाँ के किसानों की जो फसल की क्षति हुई है उसका आकलन करके और उन्हें मुआवजा दिया जा सके, क्योंकि जिस तरह से एक अप्रत्याशित नुकसान हुआ, केवल फसल का नहीं हुआ, घरों का हुआ है, बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई है और रेलवे लाइन पे भी पानी आ गया था, बंधे कई टूट गए, कई सड़कें हो गई, हमारा जनपद कई दिनों से प्रदेश से एक तरह से अलग हो गया था, टापू हो गया था। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल पर मैं चाहता हूँ कि आप केंद्र से उत्तम कुमार रेड्डी। धन्यवाद।